द्रौपदी बनने की कोशिश कर रही। सास बहू और बेटियां में आज देखिए स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में। आज वनराज एक बार फिर मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी सारी चालें फेल भी होती जा रही हैं। इस बार वनराज अनुपमा को मनाने के लिए एक नई चाल चल रहे हैं। अचानक से मेरी चिंता क्यों? घर का काम तो मैं हमेशा से करते आई। जब बच्चे छोटे थे, मशीन नहीं थी, मिक्सी नहीं थी, जिन मिल नहीं थी, तब काम हाथ से करती थी। तब तो आपको मेरी चिंता नहीं हुई। भाई अनुपमा और वनराज के रास्ते तो सभी को पता है। वनराज अनुपमा से अपनी सारी गलती सुधारने और पैचअप करने की कोशिश में जुटे हैं। और जरा देखिए पैचअप करने का ये नायाब तरीका, जनाब वॉशिंग मशीन उठा लाए हैं। भाई अनुपमा तो वन मैन आर्मी है, उनके पास ढेर सारे काम होते हैं, तो कपड़े धोने का वक्त कहाँ मिलता होगा बेचारी को। वॉशिंग मशीन के आ जाने से अनुपमा का टाइम बचेगा। It's not pampering, I think in a way it's genuine for him, it's very genuine for him कि पहली बार उसने देखा कि अनुपमा घर में क्या क्या करती है। इसके पहले उसने कभी अनुपमा की तरह शायद आंख उठा कर भी नहीं देखा था। इन द सेंस उसे नोटिस ही नहीं किया था, उसका पूरा ध्यान होता था काव्या में, या तो अपने काम में, या तो मैक्सिमम अपने बच्चों में और अपने बाप बापू जी में। अनुपमा एक बस सामने रहकर भी किसी को दिखाई नहीं देती थी, पूरा घर चलाने के बावजूद कोई उसे देख ही नहीं पाता। तो फाइनली उसने नोटिस किया है और जेन्युइनली उसने आई थिंक एक तरह से उसे लगता है कि वो प्यार कर रहा है अभी, तो वो प्यार पाने के लिए उसने कि अच्छा इतनी मेहनत करती है तो वॉशिंग मशीन एक वैसा वाला किया है। मिसेस दवे, आप हमारी समधन हैं, इसलिए मैं तब से चुप था। अब मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरी वाइफ क्या अफोर्ड कर सकती है क्या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इस वॉशिंग मशीन की, तो ऐसी वॉशिंग मशीन मैं अपनी वाइफ के लिए ऐसे ले सकता हूं। तो वहीं बाप भी वॉशिंग मशीन के आने से खुश हैं और अनुपमा को कह रही हैं कि अब वो वनराज को माफ कर दे। अरे भूल के अपनाए चाहे याद करके अपनाए, बस अपनाए। मेरे बेटे ने जो किया उसको उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। मैंने उसे थप्पड़ मारा, इन्होंने घर से निकाल दिया, हम सब ने मुंह फेर लिया। अरे यहाँ तक कि भगवान ने भी उसे सजा दे दी, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब तू क्या उसकी जान लेगी क्या, हाँ, या फिर जिंदगी भर उसे यह सजा याद दिलाती रहेगी? वनराज की माँ भी एक टिपिकल इंडियन मदर है, जिसे लगता है कि मेरा बेटा, उन्होंने स्टैंड लिया, ऐसा नहीं अनुपमा के लिए उन्होंने अपने बेटे पे हाथ उठाया। उन्हें बहुत तकलीफ हुई जब बेटे का काव्या के साथ अफेयर पकड़ा गया, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। एज अ वुमन शी कनेक्ट्स टू अनुपमा, बट एज अ मदर, और वो भी उस ज़माने की जो मम्मियाँ होती थी, जिस ज़माने में मम्मी पापा बच्चों के सामने बात भी नहीं करते थे, फॉरगेट होल्डिंग हैंड्स और समथिंग। सो उनके लिए ये है कि औरत है, औरत को पति की छत्र छाया में ही रहना है और उसके पीछे पीछे ही चलना है, चाहे पति गलती करे उसे माफ़ कर देना औरत का धर्म है। उन्हें ये अनुपमा का शायद माइंडसेट समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं इस आदमी को माफ़ कर पा रही है। लेकिन अनुपमा भी स्वाभिमानी है, उन्होंने ये ठान लिया है कि वो वॉशिंग मशीन तो एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन इसके सारे पैसे वनराज को किस्तों के माध्यम से वापस भी लौटा देंगी। मैं अनुपमा वनराज शाह नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अनुपमा हूँ। भाई वाह, अनुपमा का ये स्वाभिमान देखकर वनराज के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वाह भाई वाह अनुपमा, इसे कहते हैं मौके पर चौका लगाना। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।